सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू असॉल्ट गेमर्स। तो गाइस यहाँ पर OB28 अपडेट आ चुका है फाइनली। एंड गाइस अपडेट के बाद शायद से मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को कॉन्फी फाइल दे रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी आप लोग तुरंत जाओ कॉन्फी फाइल डाउनलोड कर लो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यार कुछ यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन भी है। क्योंकि यार यहाँ पर आप लोग को पता है कि फ्री फायर के अंदर जो मतलब ID बैन होने का रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि यार फ्री फायर ने खुद भाई मतलब अपने इंस्टाग्राम पर भाई पोस्ट डालकर बताया था कि यहाँ पर आपकी ID बैन हो सकती है। तो भाई क्या ये इस ID से आ रहे मतलब इस कॉन्फी फाइल से आप लोगों का ID बैन होगा या फिर नहीं होगा, और भाई इससे आप लोगों का मतलब एकदम अच्छे से लैब फिक्स हो पाएगा या फिर क्या होगा, तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। क्योंकि यार अगर आप लोग एक बार ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देख लोगे, उसके बाद कॉन्फी फाइल या फिर मैं जो भी बताऊंगा आप लोग उसको यूज़ करोगे, तो इससे आप सभी लोगों के ID को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। सबसे पहले बात करने वाले गाइस कि इस कॉन्फी फाइल को यूज़ करने से आप लोगों का लैग फिक्स होने वाला है कि नहीं, ठीक है। तो भाई लैग फिक्स होगा, पर देखो यार आपको पता है कि OB28 अपडेट कितना बड़ा था और इसके अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, तो इसके हिसाब से आप लोगों को समझ में जाना चाहिए कि भाई उतना ज़्यादा लैग आपका फिक्स नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग कॉन्फी फाइल यूज़ करते हो तो भाई आप लोगों का 60-70% तक लैग प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। भाई आपको 30% तक तो भाई लैगिंग इशू देखने को मिलेंगे। एंड जिनका 1 GB रैम का डिवाइस है तो भाई उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, और 2 GB रैम डिवाइस को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बाकी 3 GB के अंदर तो एकदम आसानी से चलेगा अगर आप लोग कॉन्फी फाइल यूज़ करते हो। 2 GB रैम के अंदर भी उतना प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 1 GB के अंदर गाइस आपको मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब चलेगा, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा गेम ख़राब चलने वाला है अगर आप कॉन्फी फाइल यूज़ करोगे तो। भाई कुछ भाई आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। एंड OB28 अपडेट कितना बड़ा था आपको भी पता है। और गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों की इससे ID बैन होगी या फिर नहीं। देखो भाई अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सोच रहे हो कि मेरी ID बैन हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया आप लोगों ने, या फिर आप मतलब डर रहे हो कि भाई इस कॉन्फी फाइल से ID बैन हो सकती है, तो भाई आप लोगों से मैं कहूँगा आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें इस कॉन्फी फाइल को, और इससे कतई दूरी बना कर रखें, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना, अगर आप लोग कॉन्फी फाइल यूज़ करना नहीं चाहते तो भाई उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा जिससे आप लोग अपना लैग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। गाइस मैंने यहाँ पर सेटिंग्स की 2 वीडियोज़ बना कर रखी हैं, एक ओल्ड वीडियो है और एक न्यू वीडियो है, ठीक है। तो जो न्यू वाली वीडियो, इसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ धमाकेदार हिडन सेटिंग्स बताए तो उसको भी देख लीजिएगा, और ओल्ड वीडियो उसको भी देख लीजिएगा। दोनों के अंदर जो भी सेटिंग्स बताए हैं सिंपल से आपको उसको अप्लाई करना है, और दोनों चीज़ों को अप्लाई करने के बाद आप लोग देखना गाइस सेटिंग्स से भी बहुत ही अच्छा लैग फिक्स होता है, ठीक है। आप लोग खुद भी मतलब उसका इसको यूज़ करते हो तो भाई डेफिनेटली आपका बहुत ही अच्छा गेम चलने वाला है, खासकर ऐप डिसेबल वाली सेटिंग, ठीक है। और बहुत सारे बंदे लोग बोलते हैं मेरे में ऐप डिसेबल वाली सेटिंग नहीं है, तो भाई आप प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डिसेबल सर्च करके भाई उसमें से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसके अंदर से भाई आप ऐप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर है तभी, ठीक है। बाकी जो बंदे हम पे ट्रस्ट करते हैं और कॉन्फी फाइल मेरी यूज़ करते हैं, तो भाई आप लोग नॉर्मल अपना कॉन्फी फाइल यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ओके। एंड बात कर लेते हैं कॉन्फी फाइल के बारे में कि कॉन्फी फाइल कैसे सेट करनी है, कैसे लैग प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो भाई सबसे बड़ी बात ये रही कि आप लोगों जो भी बंदे कॉन्फी फाइल यूज़ करने वाले हैं तो भाई उनको भी ओल्ड वीडियो और न्यू वीडियो देख लेनी है, एंड जाकर दोनों कॉन्फी फाइल को अप्लाई कर लेना है ज़रूर से, ठीक है। एंड अभी तक मैं एक चीज़ और आप लोग को बता देता हूँ गाइस, आप देखो यार आप लोगों का गेम बहुत ज़्यादा लैग करने वाला है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं नए नए ट्रिक्स खोज कर लाऊंगा जिससे आप सभी लोगों का लैगिंग इशू को बिल्कुल सॉल्व कर पाऊँ। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा गाइस जितना हो सके। तो यार आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना है, ठीक है। एंड भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना तो आप तक भाई उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए, एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर प्रेस करके रखोगे तो नोटिफिकेशन डेफिनेटली पहुंचेगा। तो गाइस अब बता देता हूं विदाउट देरी कि भाई कॉन्फी फाइल को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। सिंपल सा आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाना है, सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड लिंक दिख जाएगा, ठीक है। सिंपल सा आप लोग को उस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको ऐसा पेज खुलेगा, सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करो आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ना गूगल ड्राइव ना मीडिया फायर दिया, एक मतलब पेज दिया जिसके अंदर से सिर्फ आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना रहेगा, ठीक है। फिर इसमें आपको कोई भी झंझट नहीं है, सिर्फ डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करो, उस तरीके से आप लोग डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद आप लोगों को आ जाना है सीधा जेडोचर एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सीधा जेडोचर एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, वहाँ पर बताते हैं। तो गाइस यहाँ पर आ चुका हूँ मैं जेडोचर एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद क्या करना है गाइस, आपका जहाँ पर भी मतलब कि फ्री फायर का डाटा है वहाँ पे चले जाना है। तो सिंपल सा आपका एंड्रॉइड के अंदर चले जाना है, डाटा के अंदर चले जाना है, com.dk.freefire, ठीक है। इसको आप लोग को देख लेना है एंड इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। सिंपल से आप लोग इसको डिलीट कर देना, इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। डिवाइस मेमोरी के अंदर जाना, आपका जहाँ पर भी कॉन्फिग फाइल है वहाँ पर चले जाना। यहाँ पर आपको दिख जाएगी OB28 लैग फिक्स एंटी बैन सिक्योर कॉन्फिग, ठीक है। बिल्कुल सिक्योर है, तो आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सिंपल सा इस पर टैप
करना है। इसके बाद एक्सट्रैक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सॉल्ट गेमर्स लिखा जाएगा, इसके अंदर चले जाना। यहाँ पर आपको दो कॉन्फी फाइल देखने को मिल जाएगी, वीबॉट एंड वी स्किन, ठीक है। और बाकी बात रही फुल वीबॉट की, तो फुल वीबॉट भी मैं आप सभी लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का वीडियो, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को 1GB 2GB रैम का डिवाइस है तो वीबॉट यूज़ करना है, 3GB एंड 4GB रैम का डिवाइस है तो वी स्किन कॉन्फी फाइल यूज़ करना, तो वीबॉट के अंदर चले जाना है। सिंपल से आप लोगों को कॉम डॉट डिटेल डॉट फ्री फायर पर लॉन्ग टैप करना है, इसके बाद कट या कॉपी कर लेना है। वैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद डिवाइस मेमोरी के अंदर जाना है, एंड्रॉइड के अंदर जाना है, डाटा के अंदर जाना है, ग्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से कर लेना है पेस्ट। इसके बाद आप लोग को रिप्लेस वाले बटन पे क्लिक कर देना है, अप्लाई टू ऑल फाइल्स पे क्लिक करना, फिर उसके बाद आप लोग को रिप्लेस वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं रिप्लेस वाले बटन पे इसलिए क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मेरा बड़ा वाला फ़ोन है जिसके अंदर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जो छोटा वाला मेरा फ़ोन है नोकिया 2, उसके अंदर मैंने रिप्लेस कर दिया है। और मैं उसके अंदर भाई आप लोगों को अगर इस वीडियो के अंदर गई सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ 500 लाइक्स कंप्लीट हुए तो हैंड कैम गेम प्ले लेकर आऊँगा उस नोकिया फ़ोन के अंदर। तो भाई 500 लाइक्स कंप्लीट कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बताऊँगा कि जो जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो जो सेटिंग्स मैं यूज़ करता हूँ नोकिया 2 के अंदर, जो कि मेरा बहुत ही ओल्ड डिवाइस है एंड 1GB रैम का फ़ोन है। तो भाई आप लोग क्या क्या मैंने सेटिंग यूज़ करी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई 500 लाइक्स कंप्लीट कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करके और प्रेस करके रख लेना, क्योंकि भाई जैसे ही मैं उस टिप्स एंड ट्रिक्स को डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए एंड आप उसको यूज़ कर पाओ एंड आपका लैगिंग इशू बहुत ही मतलब ख़त्म हो पाए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट में मेरे को बता देना, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा इसकी, आप लोगों को जैसे ही कॉन्फी फाइल यूज़ करना है उसके बाद अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेना है, एंड जब भी गेम खेलना उससे पहले अपने फ़ोन को जरूर से रिस्टार्ट कर देना ताकि आप लोगों का गेम अच्छा सा चले, ठीक है, और कोई मतलब उतना प्रॉब्लम ना आए। तो अगर वीडियो पसंद आए अभी से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो भाई बिल्कुल फ्री है, क्या कर रहे हो अभी तक कुछ भी मतलब क्या भाई यार, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर देना। और भाई अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो ना तो कमेंट में हैशटैग ओपी लगा देना ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने वाले व्यूवर्स हो, ठीक है। तो कमेंट में हैशटैग ओपी लगा देना, मैं किन्हीं 5 बंदों को साउट आउट देने वाला हूँ। और पिछले वीडियोज़ का साउट आउट मैं नहीं दे पाया था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि यार OB28 अपडेट आया ना उसके बाद मैं कॉन्फी फाइल बनाने लग गया, ठीक है। इसके लिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।